डिजिटल भुगतान के लिए ई रूपी की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। यूपी के मिर्जापुर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। सागर धनखड़ हत्याकांड में कल चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस, पहलवान सुशील कुमार है मुख्य आरोपी। मंदसौर पहुंचे आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा, शराब कांड प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीहोर में सड़क के निर्माण को लेकर ग्रामीण परेशान, क्षेत्रीय विधायक को अपने गांव में आने से रोका, कार्यकर्ताओं के साथ वापस लौटे विधायक। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। मंदसौर जिले में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद प्रदेश के आबकारी मंत्री और घटना क्षेत्र के विधायक जगदीश देवड़ा ने खखराई गांव का दौरा किया और शराब कांड में प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। मंत्री देवड़ा ने शोकाकुल परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी, वहीं हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री देवड़ा ने कहा कि दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वित्त मंत्री को अवैध शराब के संबंध में शासन की कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि ज्ञापन में लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, पूरे घटनाक्रम में दोषी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाए। तत्काल जैसे ही घटना हुई, मेरे भी संज्ञान में आई, शासन के भी आई। यहाँ पर सारे शासन के पूरे अधिकारी मौके पर पहुँच करके उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई थी। राजेश राजौरा, राजौरा एसीएस हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जो यहाँ पर जाँच करके गई भी है और पूरी तरीके से इसकी छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। पुष्टि जितने लोगों की हुई है वो सामने है, लेकिन तह तक जाने की कोशिश सरकार की ओर से पूरी हो रही है। सीहोर के आष्टा में क्षेत्रीय भाजपा विधायक मालवीय सहित अन्य भाजपाइयों को 40 गांव के लोगों ने सद्दीगंज खाचरोद की मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर गांव में जाने से रोका। सांसद और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गांव में प्रवेश नहीं करने के लिए बैनर लगाकर बहिष्कार किया गया। बता दें कि खाचरोद सद्दीगंज धुराड़ा ग्राम की मुख्य सड़क 40 गांव को जोड़ती है, जो कि पिछले 15 सालों से अपने नव निर्माण की बाट जोह रही है। 40 ग्राम वासियों ने शासन प्रशासन की चौखट पर मुख्य सड़क के निर्माण की लगातार गुहार लगाई, पर अब तक मामले में सुनवाई नहीं की गई। वहीं अब जब भाजपा का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सहित अन्य भाजपाई शामिल होने जा रहे थे, तभी सद्दीगंज क्षेत्र सहित 40 गांव के लोगों ने हल्ला बोल धरना आंदोलन किया और उन्हें गांव में प्रवेश करने से रोक दिया और भाजपा का खुलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का बहिष्कार किया, जिसके बाद क्षेत्रीय भाजपा विधायक सहित अन्य भाजपाइयों को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधायक कमलेश्वर पटेल ने मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विषय से जनता को भटकाना चाहती है। आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, यह समाधान तो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, कालाधन वापस लाएंगे और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या बिना समझे उन्होंने ऐसा बयान दिया था। साथ ही उन्होंने अपने बयान में पीएम मोदी और मंत्री विश्वास सारंग को लेकर गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के पिपलौदा तहसील में रानी गांव में वैक्सीन के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। बता दें कि यहां रमेश पाटीदार नाम का एक युवक, जो विकलांग भी है, वैक्सीन लगवाने जब सेंटर्स पर पहुंचते हैं तो उन्हें काफी देर तक वहां इंतजार करना पड़ता है, बाद में उन्हें वैक्सीन भी नहीं लगाई जाती। वहीं जो लोग मौजूद हैं उन्हें वैक्सीन लग जाने के प्रमाण पत्र सौंप दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह की लापरवाही के जिम्मेदार सरकार इस वक्त बनी हुई है।
मोबाइल ऑपरेटर ने मोबाइल से वो कोड निकाला और बोल दिया कि आपका वैक्सीन नहीं लगेगा। अच्छा। फिर आप वहाँ से घर आए? घर आए। फिर क्या हुआ? फिर आगे घर हो गए। फिर मोबाइल के अंदर क्या मैसेज मिला आपको? मोबाइल के अंदर मैसेज मिला कि आपका वैक्सीन सक्सेसफुल हो गया। जबकि आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? बिना वैक्सीन लगाए आपको ये मैसेज मिल गया जी। बड़वानी में संपूर्ण पुनर्वास व नर्मदा के हक की मांग को लेकर मेधा पाटकर के नेतृत्व में एनबीए के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करते हुए बड़वानी शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली, जिसमें एनबीए के साथ कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजन मंडलोई ने सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि लोगों को प्रताड़ित किया जाने का लगातार काम किया जा रहा है। वहीं मेधा पाटीदार ने एक मीडिया रिपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने बताया कि पुनर्वास की लड़ाई तो हम वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी कई लोग सर्वे में छूट गए हैं जिसको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि नर्मदा का जल अब पीने योग्य नहीं रहा है। आज की स्थिति में नर्मदा का पानी का स्वाद बिल्कुल बदल चुका है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अजनार से निकलने वाला इंडस्ट्रियल केमिकल पानी से नर्मदा तक पहुंच रहा है, जिसको लेकर नर्मदा के हक के लिए सब विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार भी जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि वो जनता की आवाज़ को दबाने का कोशिश प्रयास कर रहे हैं। नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ, इस नारे के साथ आज के रोज हमारी हजारों महिलाएं और भाई जो एकत्रित हुए हैं, उससे किसान, मजदूर, पशुपालक, मछुआरे सब हैं। मछुआरों को पूर्ण जलाशय का हक मिलना बाकी है, भले 42 सोसाइटियाँ बनकर हमारी लड़त से हक मिला है, तो ये नहीं बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और नर्मदा पर अभी ऊपर चिंकी जैसे बांध बना रहे हैं, पर बरगी के साथ साथ सरदार सरोवर तक का पुनर्वास जब पूरा नहीं हुआ है तो नए बांध बनाने का कोई अधिकार मध्य प्रदेश सरकार। राजधानी भोपाल के बाग सेवनिया थाने में युवती के साथ छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है, जहां एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ताओं पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़ित युवती ने पुलिस की शिकायत में बताया कि उसके साथ बरकुतला यूनिवर्सिटी परिसर में छेड़खानी की गई है। युवती ने बताया कि तीन कार्यकर्ता मोबाइल से अश्लील मैसेज उसे किया करते थे और परिसर में भी कमेंट और अश्लील इशारे किया करते थे। इसी से तंग आकर युवती ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर इसकी जांच की जाएगी। पीड़िता के द्वारा अपन थाना बाग सेवनिया में रिपोर्ट की गई है कि उसकी क्लास का ही एक क्लासमेट और साथ में दो सीनियर, वो उसके साथ में लगातार अश्लील कमेंट्स करते हैं और अलग अलग नंबर से उससे जो है उसको बात करके उसके साथ में अश्लील बातें करने का प्रयास करते हैं, जिस पर से कल 354 AOC IPC का केस रजिस्टर्ड हुआ है, आगे के अनुसंधान किया जा रहा है। साक्ष्य रूप भोपाल के वार्ड नंबर 11 में PWD द्वारा किए जा रहे निर्माण से कई लोगों का रास्ता बंद किए जाने का मामला सामने आया है। रास्ता बंद होता देख सालों से क्षेत्र में रह रहे लोगों ने जमकर शासन प्रशासन का विरोध किया। हालांकि SDM मनोज उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र के निवासियों ने शासन से 2 दिन की मोहलत मांगी है। उनका कहना है कि आपसी सहमति से आगे का रास्ता निकाला जाएगा। भोपाल में मछली पालन के नाम पर सैकड़ों किसानों से 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मछली पालन के नाम पर सैकड़ों किसानों से 200 करोड़ रुपए की ठगी की है। हरदा में पुलिस कप्तान मनीष कुमार टीम ने गांजा तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया है। थाना प्रभारी प्रवीण चरोड़कर के नेतृत्व में 50 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे भी तस्करों के खिलाफ अभियान इसी प्रकार से जारी रहेगा। करने पर हमें आया कि 50 किलो 800 ग्राम गांजा है। इस प्रकार हमने 2 आरोपी को मौके से पकड़ा और इसमें जब पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि ये जो पूरा लीड कर रहा था वो शकील नाम का व्यक्ति है, वो चौबारा जिला देवास और
सौ गज के पास का गांव है। भोपाल में एक सामाजिक सेवा संस्थान इस वक्त लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है, जहां एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है, वहीं सोशल वर्कर तृप्ति साहू जागरूकता अभियान भोपाल, जबलपुर और रायसेन क्षेत्र में चला रही है। ये सामाजिक सेवा संस्थान की टीम कोरोना के बचाव के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस कार्यक्रम में बच्चों और उनकी माताओं को कोरोना से सुरक्षा के उपाय बता रही है। इसके साथ ही ये टीम शहर की विभिन्न बस्तियों में रहने वाले बच्चों को कोरोना से बचाव को लेकर मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण कर रही है। तृप्ति समाजिक सेवा संस्थान की पूरी टीम तीसरी लहर की सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान भोपाल एवं रायसेन क्षेत्र में चला रही है। सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से तीसरी लहर बच्चों पे काफ़ी असर करेगी और इनका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। उसी उद्देश्य को लेकर हमारी संस्थान जोरों शोरों से अनलॉक टू के समय के बाद से ही झुग्गियों में, बस्तियों में, ख़ास तौर से इन जगह पे के बच्चों को और इनकी माताओं को, इनके परिजनों को सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हाथों को साफ रखना चाहिए, मास्क का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही हम इन लोगों को मास्क एवं सैनिटाइज़र वितरण कर रहे हैं। गंज नर्मदा नदी के घाटों पर अवैध खनन का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है। रेत माफिया बीच नर्मदा में बड़ी बड़ी मशीनों से रेत निकाल रहे हैं। पिंक पोल लेन जेसीबी मशीनों से बीच नर्मदा नदी में पानी में से रेत निकाल कर डंप किया जा रहा है। बेखौफ होकर दिन दहाड़े मशीनों से रेत निकालने का काम लगातार जारी है, लेकिन इस अवैध खनन पर खनिज विभाग कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। एनजीटी की रोक के बावजूद भी रेत कंपनी और रेत माफिया सरेआम नर्मदा नदी में जेसीबी और पोकलेन मशीन की मदद से रेत का खनन कर रही है। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, आप बिल्कुल हो रही है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो अमला है उसके माध्यम से हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसी कार्रवाई का ही ये नतीजा है कि लगातार रॉयल्टी ज़्यादा कट रही है। मैं आपको जानकारी में अवगत और कराना चाहूँगा कि गत वर्ष वित्तीय वर्ष में हमारे द्वारा 806 अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज किए गए हैं और उसी प्रकार से जिनसे कि करीबन 4 करोड़ से ऊपर हमने पेनल्टी। सिंगरौली जिले में बीते 24 घंटों से अधिक लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। कई घर बारिश के चलते जमींदोज हो चुके हैं। वहीं जयंत चौकी क्षेत्र में स्थित एनसीएल मेंटेनेंस का कार्य करने वाली समानता कंपनी की बाउंड्री वॉल एक कच्चे मकान पर गिर गई, जिसके बाद ये एक परिवार गंभीर हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि कच्चे मकान पर बाउंड्री वॉल गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्य उसमें दब गए, जिसमें से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मामले में पिता और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को नेहरू शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों की हालत इस वक्त स्थिर बनी हुई है। वहीं सूचना मिलने पर कलेक्टर, एसपी, विधायक भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पीड़ित परिवार को आरबीसी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के अलावा हर संभव मदद दिए जाने की बात कही गई है और घटना की जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। 12 बजे लगभग गिर गया दीवार, मेरा घर पे गिरा, वो हाइट दीवार है, मेरा घर छोटा था, उसी के ऊपर गिरा तो पूरा दीवार आ गया। हम अपन जितना सुरक्षित हैं, 1-2 बार खाली लड़का मेरा 4-5 बार बोल दिया कि पापा पापा, उसका भी जान जा रहा था और हम भी तो पाए हुए थे, हम खुद नहीं निकलने पा रहे थे, तो और 2-4 मिनट रहते हैं तो हम भी ख़त्म हो गए। वो पीछे साइड में हम लोगों का उन्हें है ना, वो लोग अवैध रूप से बसा हुआ है, हम लोगों को एक जगह दिया गया वहाँ काम करने के लिए, हम अपने जगह में काम कर रहे, बाहर में कौन रह रहा है क्या कर रहा है उसको तो हम नहीं हटा सकते हैं, हम प्रशासन नहीं है। एक काम आपका प्रशासन का है सर, प्रशासन की नहीं, हमेशा नहीं बोले सर, हम लोग पहले काम किया था, आपने अभी बोला ना कि भाई बनाया मिट्टी से, ये सब काम प्रशासन देख रेख तो आपके द्वारा हो सकता है, जिम्मेदारी प्रशासन की है। नहीं प्रशासन का हम ऐसे क्यों बोलेंगे, नहीं आपने तो अभी यही बोला नहीं, लेकिन अब उसको हम हटाने के हटा नहीं सकते है ना सर, अगर आप यहाँ पर अगर एक खड़े हो जाएगा तो हम वहाँ हटाने का सब चंद रहे हैं, क्योंकि वर्षा के काल में और कई वर्षों से ये जर्जर हालत में इनकी बाउंड्री थी समता कंपनी और उसके सबके लोग अब बहुत दिनों से बसे हुए थे, अपना जीविकोपार्जन यहाँ कर रहे थे। ये दुखद समाचार है कि रात को बाउंड्री गिरने से बच्चे दब के मर गए
और घायल हैं जिनका नेहरू चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, और हर संभव होगा कि प्रयास की शासन से मेरा ये है कि यदि इलाज यहाँ ठीक से नहीं हो पाता तो इनका रेफर करा के वहाँ भी इलाज कराने। कल रात में जो घर था वो घर के गिरने से जो उसमें परिवार रह रहा था उसके दो बच्चों की उसी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और बाकी दो घायल हैं उनका जो नेहरू अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तो अभी जो हम जो घायल हैं उनकी बच्ची है 5 साल की और एक उनकी माता है, तो उसको वहाँ की जो इलाज की व्यवस्थाओं के लिए संबंध में हमने निर्देश प्रसारित किए हैं कि उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था जो भी कुछ हमें ज़रूरत होगी उसको हम पूरी तरीके से उसको करेंगे जिससे कि जो घायल हैं उनको समुचित उपचार मिल सके। सिंगरौली के मोरवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए आरोपी के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम दिया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि वह दूसरे राज्यों में भागने की फिराक में था। आरोपी पर पुलिस अब कड़ी कार्रवाई कर रही है और उस पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 2 माह पहले एक बच्ची के साथ रैप हुआ था, उसके रिश्ते में चाचा ने उसके साथ रैप किया था। रैप करने के बाद वो फरार हो गया था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। पिछले 2 माह से वो फरार है, और आज मोरवा पुलिस को सूचना मिली थी कि वो जंगल में है, जिसको घेराबंदी करके और उसको पकड़ा गया है, उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम। भोपाल के शहीद नगर में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किलों के साथ आग पर काबू पाया। सीहोर के कालियादेव झरने पर अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आई एक महिला दुर्घटना का शिकार हो गई। बता दें कि महिला झरने के तेज बहाव में बह गई। जानकारी के अनुसार इछावर निवासी एक परिवार कलियादेव में पिकनिक मनाने गया था। परिवार के सदस्य पानी में नहा रहे थे कि अचानक महिला का पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में आ गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद एनडीआरएफ ने महिला की काफी तलाश की, लेकिन महिला का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।